हमारी पब्लिक ट्रैफिक सिस्टम को लेकर के थोड़ी फेस तकलीफ फेस कर रही है। साथ ही साथ बरसात के मौसम में ड्रेनेज सिस्टम पूर्ण रूप से हो, ड्रेनेज में कोई पानी से तकलीफ नहीं हो, और आने वाले दिनों में बरसात के मौसम की वजह से जो मौसमी बीमारियां होती है उसकी पहले से तैयारी की जाए, दवाई हो, हॉस्पिटल में एक्स्ट्रा बेड की व्यवस्था हो, मौसमी बीमारियों से संबंधित डॉक्टर हो, और इन सब को फोकस आधार पर किया है। और अंत में हमने हरियाणा राजस्थान का जो डिपार्टमेंट वाइज टारगेट था उसकी भी समीक्षा की है, और सभी विभागों ने अपने अपने टारगेट अचीव किए हैं और टारगेट से भी अधिक अचीव किए हैं। और जयपुर ने जितना टारगेट दिया था करीब 2 लाख से बाहर पौधों का कल रोपण किया है, और ये भी तय किया है नरेगा की मार्फत के इसको 3 साल तक सर्वाई रखने के लिए पूरी नरेगा डिपार्टमेंट काम करेगा। पानी पिलाना हो, दवाई पिलानी हो, खाद बीज देना हो और उसकी रखवाली करनी हो, और इन सब के लिए भी डिपार्टमेंट पूरी तरह से तैयार है। हरियाणा राजस्थान ऐतिहासिक काम राजस्थान में हो रहा है। हमारा जो 7 करोड़ का टारगेट है उसे हम पूर्ण रूप से पूरा करेंगे। सर, एनएफएसी को लेकर के कई समस्याएं हैं जयपुर शहर में, टारगेट भी कम है, उसको लेकर के क्या रहे? उसकी भी समीक्षा कर रहे हैं, आज हमारी विशेष उसमें नहीं है, अगली बैठक में हम इसको लेकर के एनएसएफ को लेकर के भी करेंगे, क्योंकि लोगों की मांग है कि अनेक लोग लाइन में बैठे हैं, उनका नाम नहीं जुड़ा, इसलिए उसको गेहूँ या जो भी सामान वितरण कार्य वो नहीं मिल रहा है। इसको लेकर के अब स्पेशली अलग बैठक रख करके एनएफएसएफ में जितने भी हमारे लाभार्थी होने चाहिए, या ये भी देख रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग भी जुड़ गए हैं जिनको कायदे से नहीं जुड़ने चाहिए तो उनका नाम हट जावे, और जिनकी आवश्यकता है जो रिक्वायरमेंट रखते हैं उनका नाम जुड़ जावे, इसके लिए अलग बैठक करके इसको भी कार्य कर रहे हैं। देखिए, प्रभारी मंत्री हैं जयपुर के जोगाराम पटेल, उन्होंने आज बैठक ली है बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर। जोगाराम पटेल जी हमारे साथ हैं। सर, आज आपने ये बैठक ली है, किस तरह की बजट घोषणाएं थी मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार की, और जयपुर के अंदर क्या कुछ मिला है और उनको धरातल पर कब तक उतार लिया जाएगा? देखिए, जयपुर को लिए हमारा सबसे आदर्श शहर है, हमारी राजधानी है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, भजनलाल जी ने जयपुर को विशेष रूप से सौगात दी, जैसे आरओबी हो, यूबी हो, ओवरफ्लाई हो, ड्रेनेज सिस्टम हो, ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो, जयपुर की चारों तरफ की मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट की फैसिलिटी हो, इसलिए हम सब डिपार्टमेंट वाइज लिए हैं। और हमारा पूरा टारगेट है जिन जिन विभागों से लैंड अलॉटमेंट होना था, जिला कलेक्टर ने 100% लैंड अलॉटमेंट कर दिए, जेडीए ने जो लैंड अलॉटमेंट होना था वो भी काफ़ी स्तर पर हो चुके हैं। डिपार्टमेंट वाइज समीक्षा बैठक की तो करीब करीब सभी डिपार्टमेंट पूरे तरीके से अपने प्रोग्रेस को, अपने अचीवमेंट को, अपने टारगेट को पूरा करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, और 95 तक टारगेट अचीव किए हैं। 95% टारगेट अचीव कर लिए हैं। सर, जयपुर के अंदर जल भराव, सबसे ज़्यादा ड्रेनेज सिस्टम की दिक्कतें हैं, आप प्रभारी मंत्री के नाते किस तरह के डायरेक्शन सभी दिए गए हैं? ये बात आपकी सही है, और ये सबसे महत्वपूर्ण विषय भी है जयपुर के लिए, ट्रैफिक का जो अनकंट्रोल होना और ड्रेनेज सिस्टम का ठीक ढंग से नहीं कार्य करना। मैंने बैठते ही विभागीय समीक्षा की पहले ये मैंने विशेष रूप से आग्रह किया है कि हम आने वाले समय में ट्रैफिक सिस्टम को सही करें, और ई रिक्शा का जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है, अनकंट्रोल रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उसकी गाइडलाइंस के अनुसार उनका रजिस्ट्रेशन हो, जोन के अनुसार वो चले, और उनका जो कोडिंग करना वो कोडिंग करे, लेकिन वो ट्रैफिक में हड़बड़ नहीं हो, ये सभी प्रयास किया। सेम टू सेम हमारा ड्रेनेज सिस्टम बरसात के मौसम में ठीक रहे और इसकी वजह से पब्लिक को तकलीफ नहीं हो, अधिकारियों ने इसको टारगेट के रूप में लिया है, और मेरा ये मानना है कि धीरे धीरे हम जो अनकंट्रोल हो रही हमारी ट्रैफिक व्यवस्था है उसको कंट्रोल भी करेंगे और ड्रेनेज सिस्टम भी पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा। सर, आज जब आप जाम में फंसे तो सबसे पहले वाक्य यही था कि ट्रैफिक अनकंट्रोल हो रहा है। सर, इसकी वजह क्या है? क्या हमारा जो ट्रैफिक, जो पुलिस है वो ठीक काम नहीं कर पा रही है, या पूरा जो इंजीनियरिंग है फ्लाईओवर्स, या जितने जन आबादी बढ़ रही है और वाहन भी बढ़ रहे हैं? देखिए, किसी एक को इसमें टारगेट नहीं किया जा सकता, एक को रिस्पॉन्सिबल नहीं है। पहला यह है कि साधन भी बहुत बढ़ गए हैं, कारें हो, 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ गए हैं, और शहर का जो रोडों की रिक्वायरमेंट है वो जितनी भी रही है। साथ ही साथ हमारा पुलिस डिपार्टमेंट भी पूरा कर रहे हैं, इसीलिए हमने इस बार 8 फ्लाईओवर लिए हैं, आरओबी लिए हैं, रोड स्ट्रेंथनिंग ली है, डबल रोड करने के लिए, ताकि फ्यूचर में 20 साल तक हमारा आने वाला जो ट्रैफिक है
उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकें। मुझे विश्वास है कि जब हमारे टारगेट पूरे होंगे तो बहुत अधिक हद तक ये ट्रैफिक कंट्रोल हो जाएगा। एक इंक्रोचमेंट भी सबसे बड़ी समस्या है जयपुर की सर। हमने अधिकारियों से निवेदन किया है कि इंक्रोचमेंट होने के बाद हटाना ये दूसरी विषय, इंक्रोचमेंट हो ही नहीं, हमारी लैंड आइडेंटिफाई हो, वहाँ नेम प्लेट लगे तो लोगों को पता चलेगा पब्लिक प्लेस की JDA की है या गवर्नमेंट की लैंड है। हम प्रयास करेंगे जितनी भी हमारी लैंड है उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसकी हो सके तो वायर फेंसिंग कराएंगे, नहीं तो कम से कम बोर्ड तो लगाएंगे ताकि एनक्रोचमेंट हो फिर हटाओ, डबल खर्चा नहीं करना पड़े और पब्लिक में नाराजगी नहीं बढ़े। सर लगातार आपके क्षेत्र में भी लूनी में सर पानी बहाव ज़्यादा है, लगातार आप फीडबैक ले रहे हैं, राजस्थान में कई जगह बाढ़ के हालात बने। मैं धन्यवाद दूंगा सरकार को और इंद्र देवता को कि पहली बार मेरी लूनी नदी इतनी वेग से आई है, बांडी नदी भी मेरे लगती है वो भी इतनी वेग से आई है, और चूंकि लोगों को अपेक्षा ही नहीं थी कि इतनी जल्दी नदी आ जाएगी। मेरे क्षेत्र के अनेक लोग नदी में फंसे थे पर रेस्क्यू डिपार्टमेंट ने पूरी तरह से शुरू से निकाल दिया। एक कैजुअल्टी मेरे यहाँ हुई है, वो भी उसको पता नहीं था कि वो रास्ते में जा रहा था और अचानक गिर गया और नदी में बह गया। बाकी चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो सबको बचा दिया है। लूनी नदी, बांडी नदी, अन्य नदी बड़ी वेग से बह रही है, आने वाले समय में काश्तकारों के लिए और पेयजल के लिए इंद्र भगवान की मेहरबानी हुई है, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ये जोगाराम पटेल जो बता रहे थे कि किस तरीके से आज जो बैठक हुई है, सभी डिस्ट्रिक्ट के जो अधिकारी हैं उनको डायरेक्शन दिए गए हैं, उन्होंने जयपुर में जो बदहाल जो ट्रैफिक व्यवस्था है, क्योंकि आज जब वो कलेक्ट्रेट पहुँचे मंत्री तो उनकी भी गाड़ी जाम में फंसी, तो उन्होंने सबसे पहले यही कहा है कि ट्रैफिक जो व्यवस्था, जो बदहाल व्यवस्था है उसको, जो अनकंट्रोल हो रही है उससे कंट्रोल में लाना होगा। इंक्रोचमेंट को लेकर भी उन्होंने कहा है कि इंक्रोचमेंट नहीं होने चाहिए, पहले हम अवैध अतिक्रमण हो जाते हैं फिर हटाते हैं, इसकी भी एक पूरी गाइडलाइन होनी चाहिए। और साथ में जो इंद्र देवता इन दिनों मेहरबान हो रहे हैं उस पर भी उन्होंने खुशी यहाँ पर जाहिर की है। कैमरामैन राहुल के साथ दीपक गोयल जी, मीडिया जयपुर। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो दीपक हमारे सहयोगी बात कर रहे थे, एक्सक्लूसिव बातचीत हमने आपको दिखाई जोगाराम पटेल साहब से, जो अभी बैठक ले रहे थे, तमाम जो बजट में चीज़ें ऐलान हो की गई हैं उन बजट के क्रियान्वयन के संबंधित ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण थी। जयपुर जिला कलेक्ट्रेट में ये बैठक, उससे जुड़ी ये तमाम जानकारियाँ हम आप तक पहुँचा रहे हैं।